योगियां, नमाज में योगियां, नमाज में योगियां, इधर यार, नमाज में योगियां, नमाज में योगियां, नमाज में योगियां। बता दो इनका अल्लाह कहाँ पैदा हुआ था, हम बता सकते हैं हमारे 24 अवतार कहाँ पैदा हुए थे। 33 करोड़ देवी देवता हिंदुओं के हैं। कोने कोने से लोग नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, तो इनका मकसद क्या है यहाँ पे आने का, इकट्ठा होने का मकसद क्या है? नमाज पढ़ने के बाद में भी इन्होंने आधा घंटे तक गुटबाजी की है, मीटिंग करी है, तो ये लोग हमारे लोग हिंदुओं में एकता नहीं है, इन लोगों में एकता है, इसलिए ये ऐसा कर पा रहे हैं। अगर हमारे हिंदुओं में एकता होती तो ये एक भी लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। थाने में ले जाकर पिछवाड़ा पीट जाएंगे। तीन समाधान टो रखे जी आपने, उनका एक समाधान काट के देगा। उस लड़के को कहां लेके हो जी आप, और किस उसमें लेके हो? नहीं जवाब तो ले लो जी, किस उसमें लेके गए हैं, क्यों लेके गए हैं जी? गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार 3 दिसंबर को सेक्टर 37 में नमाज के दौरान हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। द क्विंट साइट पर छपी खबर के अनुसार भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच नमाज के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। दक्षिणपंथी संगठनों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की नमाज को लेकर पुलिस के साथ बहस भी हुई। घटना के बाद सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि हंगामा कर रहे लोग पुलिस से कह रहे हैं कि अगर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाए तब भी वे विरोध से पीछे नहीं हटेंगे। और जो नमाज अदा करने आए हैं वो यहाँ पर शांति से नमाज अदा कर सकते हैं। नमाज का विरोध कर रहे एक शख्स ने पुलिस से कहा, हम यहाँ कुछ गलत नहीं कर रहे, यह जमीन हमारे गांव में है, आप हमें यहाँ आने से कैसे रोक सकते हैं? टीम गिर के थाने में ले जाकर पिछवाड़ा पीट जाएंगे। तीन समाधान टो रखे जी आपने, उनका एक समाधान काट के देगा। उस लड़के को कहां लेके हो जी आप, और किस उसमें लेके हो? नहीं जवाब तो ले लो जी, किस उसमें लेके गए हैं, क्यों लेके गए हैं जी? हनुमान चालीसा ये पूछना है कि किस बेसिस पे उन्हें गिरफ्तार किया गया, किस बेसिस पे? लैंड ऑर्डर जो खराब करेगा उसको ठाके। जनाब जी लो ऑर्डर को खराब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, हम बताइए तो सही क्या लो। लॉ एंड ऑर्डर में लोगों का ये कहना है कि धर्म के लिए तार दिया गया है। गुरुग्राम में कई बार नमाज के विरोध की अगुवाई करने वाले भारत माता वाहिनी संगठन के नेता दिनेश भारती बीते शुक्रवार को भी प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ दिखे। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। घटना ऐसे वक्त में हुई जब तीन दक्षिणपंथी संगठनों के नेताओं के खिलाफ कुछ दिन पहले ही भड़काऊ बयानबाजी की शिकायत दर्ज की जा चुकी है। बता दो इनका अल्लाह कहाँ पैदा हुआ था, हम बता सकते हैं हमारे 24 अवतार कहाँ पैदा हुए थे। 33 करोड़ देवी देवता हिंदुओं के हैं। इनका नेटवर्क चलता है लव जिहाद, धर्मांतरण, गोक्षी, गोहत्या। पीछे पटौदी में लव जिहाद के 18 केस हुए हैं, गुड़गांव में 3 हुए हैं सेकंड कोरोना में, एक भी बेटी हमारी वापस नहीं आई। हम दूसरे के धर्म पर कुठाराघात नहीं करते हैं, लेकिन अपने धर्म पर नहीं होने देंगे हम। नवाज का जो विषय था, मार्च अप्रैल से हम चल रहे हैं, 5 मुकदमे मेरे पर दर्ज हुए हैं। अक्टूबर में 14 दिन की मैंने जेल काटी है, 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक, और 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मैं गिरफ्तार किया गया। 5 दिन की मैंने जेल काटी। जेल काटने के बाद फिर मैंने उसी जगह पर भजन कीर्तन किया। उस समय पुलिस ने ट्वीट किया कि हिंदू संगठनों के सहमति से ये नमाज पढ़ी जा रही है। उस पर पुलिस पूरे तरीके से ट्रोल हो गई। संघ ने भी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से जवाब मांगा कि खुले में लैंड जिहाद, अवैध नमाज क्या जायज है। जमायत उलेमाए हिंद ने इन नेताओं की शिकायत गुरुग्राम पुलिस से की थी।
आरोप लगाया गया कि ये नेता भड़काऊ बयानबाजी के जरिए सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले 3 महीनों से गुरुग्राम में खुले में नमाज का विरोध कई दक्षिणपंथी संगठन कर रहे हैं। सेक्टर 12, सेक्टर 47 समेत कई जगहों पर नमाज का विरोध इन संगठनों द्वारा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।